नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। दिग्गज बॉलीवुड एक्ट्रेस और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने अपनी आला अदाकारी, नृत्य कौशल और अपनी अथाह सुंदरता के दम पर अपनी पहचान बनाई है। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी 70 के दशक से आज तक बादस्तूर लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल, हेमा किसी भी मुद्दे पर बात करने से कभी कतराती नहीं है। हाल ही में अपने एक दिए इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने अपने करियर के उस पल को याद किया जब एक फिल्म निर्माता चाहता था कि वो अपनी साड़ी का पिन हटा दे। अपने इस भयावह अनुभव को शेयर करते हुए हेमा मालिनी ने खुलासा किया कि उन्हें अपनी साड़ी के पल्लू पर पिन लगाने की आदत थी। इस घटना को याद करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि एक निर्देशक उनसे किसी तरह का सीन शूट करवाना चाहते थे और उन्हें पिन हटाने की सलाह दी। इस अनुरोध से असहज होकर हेमा ने कहा कि पल्लू फिसल जाएगा। हेमा ने आगे कहा कि साड़ी नीचे गिर जाएगी। इस पर उनका जवाब था कि हम यही चाहते हैं। 74 बरस की गुजरे जमाने की एक्ट्रेस हेमा ने आगे कहा कि आजकल फिल्म निर्माता अपने एक्टर्स को पर्दे पर आकर्षक दिखाने के लिए समय नहीं निकालते हैं। हेमा ने कहा कि अब फिल्मांकन अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है और उन्हें नहीं लगता कि वो दोबारा अब कभी काम कर पाएंगी। उन दिनों को याद करते हुए हेमा ने यह भी बताया कि जब राज कपूर ने पहली बार सत्यम शिवम सुंदरम के लिए उनसे संपर्क किया था, उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी फिल्म है जिसे आप नहीं करेंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस फिल्म को करें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।